पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी का अगला मुकाबला बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। पिछले साल 23 अक्टूबर को क्रिकेट विश्व कप में हार के बाद से इंडियन क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। अब ऐसी खबर आ रही है कि अगले महीने 28 अगस्त को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने दिख सकती हैं। ये टक्कर होगी आगामी एशिया कप 2022 में, जिसका आयोजन श्रीलंका में होना है और ये टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टूर्नामेंट शुरू होने के ठीक अगले दिन भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। एशिया कप के 15वें सीजन का पूरा स्केड्यूल श्रीलंका क्रिकेट जल्द ही जारी करने वाला है। तमाम उलझनों और देश में चल रही उथल पुथल के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट को आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। 2022 में खेला जाने वाला एशिया कप टूर्नामेंट एक बार फिर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। इससे पहले साल 2016 में खेला गया एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में ही खेला गया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। बता दें कि एशिया कप के लिए टीम इंडिया, मेजबान श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है। इनके अलावा यूएई, नेपाल, ओमान और हांगकांग और बाकी टीमों के बीच क्वालिफायर राउंड 21 अगस्त से खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक खींचतान के चलते बायलेटरल सीरीज नहीं खेली जाती, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स और ACC के मुकाबलों में दोनों टीम्स को आमने सामने देखा गया। भारतीय टीम की पिछली टक्कर पाकिस्तान के साथ ICC T20 विश्व कप 2021 के मुकाबले में दुबई के मैदान पर हुई थी, जहां पर पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इस हार से इंडियन फैंस को बड़ा झटका इसलिए भी लगा था क्योंकि पाकिस्तान ने इस जीत के साथ 29 साल के विश्व कप में भारत के खिलाफ जीत के सूखे को खत्म किया था। हालांकि इस हार के बाद कई ऐसे समीकरण बने कि भारतीय टीम के कोच, कप्तान और टीम में कई बदलाव हुए हैं। अब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ बदले हुए इरादे के साथ उतरेगी, क्योंकि अब टीम के पास रोहित शर्मा के रूप में नया कप्तान और राहुल द्रविड़ के रूप में एक नया कोच है। हालांकि विराट कोहली अब भी इस टीम का एक अहम हिस्सा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।